नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। रहीम दास जी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि रहीम दास जी का जन्म हुआ है लाहौर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। 1556 में इनका जन्म हुआ और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना की विशेषता है कि वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, और सबसे बड़ी बात, वे अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। अकबर के राज दरबार में इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था, तो इस तरह रहीम दास जी अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। इनके कविताओं में, इनके दोहों में मुख्य विषय है श्रृंगार, अर्थात प्रेम से संबंधित दोहे और नीतिपरक दोहे। उनके नीतिपरक दोहों की विशेषता है कि वे आज भी समकालीन लगते हैं और हमेशा लगते रहेंगे। रहीम दास जी एक मुस्लिम कवि होने पर भी इनकी यह विशेषता है कि इन्होंने राम अर्थात ईश्वर की बात अपने दोहों में की है। अकबर भी एक ऐसे राजा थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को जिन्होंने अपनाया था, तो इस तरह उनके जो नवरत्नों में से एक कवि रहीम है, वे भी दोनों ही धर्मों की बात करते हैं और राम का भी जिक्र इनके दोहों में मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं रहीम दास जी के दोहे कक्षा 9वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए। रहीम दास जी का पहला नीतिपरक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परि जाए। यहाँ पर धागे के साथ रिश्तों की तुलना की गई है। रिश्ते हमारे प्रेम के संबंध होते हैं, उनमें यदि एक बार मन मुटाव हो जाए तो फिर से वैसी बात नहीं होती, इसलिए हमें अपने रिश्तों को बड़ा संभाल कर रखना चाहिए। एक दूसरे को चुभती और लगती बातें नहीं कहनी चाहिए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि एक बार जब प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो कितनी भी कोशिश करो वह पूर्ववत जुड़ नहीं सकता, और अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरह जब रिश्तों को हम लड़ाई के बाद फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अविश्वास की एक गांठ रह जाती है। तो इस तरह हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लय है लोग सब बाटी न लय है कोय। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं हमें अपने मन की व्यथा, मन का दर्द दुख किसी से साझा नहीं करना चाहिए। हर कोई इस लायक नहीं होता कि हम अपने मन का दुख दर्द हर किसी से बांटते फिरें, क्योंकि आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके दुख दर्द को मिटाने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लोग तो ऐसे ही होंगे जो आपके पीठ पीछे आपके दर्द का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा या दर्द को हर किसी को बताते नहीं फिरना है, क्योंकि पता नहीं किस समय पर वह उस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और हम पर हंसे। अगले दोहे में रहीम दास जी ने एक पौधे का उदाहरण देकर बड़ी खूबसूरती से समझाया है कि हमें एक ही ईश्वर को साधने का प्रयत्न करना चाहिए। एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सी जीवो फूले फले अघाए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पेड़ के पत्तों और फूलों पर पानी न डालकर हमें उसकी जड़ों में पानी डालना चाहिए। जिस तरह जड़ों में पानी डालने से पेड़ के पत्ते, फूल, फल इत्यादि सारे फूल उठते हैं, उसी तरह एक ही ईश्वर की उपासना करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगले दोहे में रहीम दास जी चित्रकूट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि राम वनवास के दौरान में
चित्रकूट में सीता और लक्ष्मण के साथ जाकर रहे थे। तो राम ने उस भूमि को पवित्र कर दिया है अपने स्पर्श से। वहाँ जब वे रहे तो वह भूमि पावन और इतनी पवित्र हो चुकी है कि जिससे जब भी किसी को कोई कष्ट या तकलीफ आती है तो वह इस भूमि पर आकर रहता है तो उसके कलेश, उसके दुख, उसके दर्द दूर हो जाते हैं। तो चित्रकूट की विशेषता यही है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं चित्रकूट में अवध के नरेश अर्थात अवध के राजा श्री राम रहते थे जब उन पर विपत्ति या तकलीफ आई थी। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश अर्थात जिस पर कोई विपत्ति तकलीफ या मुसीबत पड़ती है और वह चित्रकूट के दर्शन करके आता है, चित्रकूट की पवित्र भूमि पर रह कर आता है तो उसके दुख दर्द तकलीफें सारी दूर हो जाती है। दोहा अर्थात दो पंक्तियों की काव्य रचना। दोहे की विशेषता होती है कि दो पंक्तियों में होने पर भी वह बड़ा गहरा अर्थ देता है। तो रहीमदास जी कहते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहे जो रहीम नट कुंडली समिटी कुदी चढ़ी चाहे। यहाँ पर रहीमदास जी ने दोहे की तुलना नट से की है। नट कौन होता है? जो छोटी सी रस्सी पर अपने करतब दिखाता है, चलकर दिखाता है और अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ भी दिखाता है। नट अपने इतने भारी भरकम शरीर को छोटी सी रस्सी पर कैसे बैलेंस कर पाता है? अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। कुंडलिनी शक्ति अर्थात ध्यान की सर्वोच्च अवस्था। ध्यान एकाग्र चित्त कर वह छोटी सी रस्सी पर अपना पूरा शरीर का भार संभाल लेता है। उसी तरह दोहा छोटा सा होता है किंतु उसमें गहराई में अर्थ होता है, अर्थ बहुत ही गहरा होता है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए उद्धि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। इस दोहे में रहीम दास जी ने समुद्र के जल और पंक जल के बीच तुलना की है। पंक जल अर्थात किसी भी सड़क के किनारे जो छोटा सा पौंड होता है, छोटा सा गड्ढा होता है, उसमें जमा पानी समुद्र के पानी से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा रहीमदास जी का मानना है। रहीमदास जी कहते हैं धनी रहीम जल पंक को, पंक का जल अर्थात कीचड़ का गड्ढे का जो जल है वह धन्य है क्योंकि कई लघु जीवों की वह प्यास बुझाता है। जबकि उदधि अर्थात समुद्र इतना विशाल होने पर भी उसके सामने से पूरा जगत प्यासा निकल जाता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। छोटा सा पंक जल कीचड़ में पड़ा हुआ पानी कई छोटे जीवों की प्यास को बुझाता है। चिड़िया कुत्ता वहाँ आकर आराम से पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना की जा सकती है अमीर वर्ग के लोगों की और मध्यम वर्ग के लोगों की। अमीर लोगों का फ़ायदा किसी को नहीं मिलता जबकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वे अपने से छोटे लोगों की फिर भी आगे आते हैं मदद करने के लिए। अगला दोहा रहीमदास जी ने कलाकारों के प्रति लोगों के रवैये को प्रस्तुत करते हुए लिखा है। वे कहते हैं नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझे हूँ कछुना देत। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं नाद अर्थात संगीत, रीझ अर्थात उससे खुश होकर प्रसन्न होकर तन देत मृग अपना तन मृग दे देता है नर धन हेत समेत। और नर जो है वह धन के लिए ही अपनी सारी गतिविधियां करता है, धन के लिए सब कुछ करता है। ते रहीम पशु ते अधिक रीझे हूँ कछुना देत अर्थात कलाकार के कर्तव्य देखकर उसकी कलाकारी देखकर भी उसे कुछ दक्षिणा नहीं देता, ऐसा मनुष्य उस हिरण से उस जानवर से भी निचले दर्जे का है क्योंकि हिरण तो बेचारा संगीत सुनने के लिए दौड़ा चला आता है और उसी वक्त राजा उसका शिकार कर देता है। तो ये पुराने समय की प्रथा हुआ करती थी कि राजा जब भी जंगल में जाते थे अपने साथ संगीतज्ञों को ले जाते थे कि संगीत की धुन छेड़ी जाती थी और उस धुन को सुनकर कई जानवर वहाँ एकत्रित हो जाते थे, उनमें से हिरण भी आ जाते थे। तो हिरण पर उस वक्त राजा तीर चला देता था और उसका शिकार कर लेता था।
इसीलिए यहाँ पर हिरण की तुलना करते हुए रहीम दास जी कहते हैं, हिरण ज्यादा अच्छा है क्योंकि वह संगीत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि कलाकार की कला की कद्र नहीं करता और खुश होने पर, प्रसन्न होने पर भी उसे पैसे दक्षिणा में नहीं देता। अगला दोहा रहीम दास जी का नीतिपरक दोहा है, जिसमें वे फिर से मनुष्य के आपसी संबंधों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए यह बताते हैं। वे कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। वे उदाहरण देकर समझाते हैं, जिस प्रकार फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो, अर्थात कितना भी रिड़क लो, रगड़ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह से यदि किसी के साथ एक बार हमारा मन मुटाव हो गया हो, हमारी किसी से लड़ाई हो गई हो, तो उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, अर्थात लाख कोशिश करने पर भी उसके साथ हमारा पहले जैसा संबंध नहीं बन सकता। जिस तरह एक बार दूध फट जाए तो वह पूर्ववत नहीं हो सकता, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह से यदि हमारे प्रेम के संबंध किसी के साथ बिगड़ जाते हैं तो लाख प्रयत्न करने पर भी पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। इसलिए हमारा जिससे प्यार हो, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हों, उन मधुर संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। रहीम दास जी का अगला नीतिपरक दोहा है फिर से संबंधों पर आधारित, कि हमें किसी को अमीर या गरीब समझकर उसके साथ संबंध बनाने या तोड़ने नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस गरीब की ज़रूरत जब हमें पड़े तो हम पछताएं कि उसके साथ फालतू ही मैंने संबंध बिगाड़ लिए। तो सुनते हैं अगला दोहा, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। यहां पर सुई अर्थात कमज़ोर या थोड़ा सा गरीब व्यक्ति और तलवार अर्थात अमीर व्यक्ति। जब हमारी दोस्ती किसी अमीर व्यक्ति से हो जाती है तो हमें छोटे या गरीब व्यक्ति को यह सोचकर उसका साथ नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो मैं इससे लड़ाई कर लूँ या इससे मैं रिश्ता अपना तोड़ लूँ। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे आने वाले समय में वह छोटे व्यक्ति की ही शायद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और वही हमें उस मुसीबत से बाहर निकालने वाला हो। तो इस तरह यह सब सोचकर किसी के साथ संबंध तोड़ने या बिगाड़ने नहीं चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। वे कहते हैं कि जिस तरह से तलवार किसी को मारने के काम आती है और सुई फटे हुए कपड़ों को जोड़ने के काम आती है, दोनों का अपना महत्व है, किंतु हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आपके पास तलवार आ गई तो आप ये सोचें कि सुई मेरे किसी काम की नहीं है, अब मैं इसे फेंक देता हूँ। उसी तरह यदि किसी अमीर बड़े व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है तो किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करके उसे त्याग देना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती। इस दोहे में रहीम दास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी संपत्ति, अपने पैसे मुश्किल समय के लिए जोड़कर रखने चाहिए, कुछ पैसे हमें बचा कर रखने चाहिए हर महीने। तो इसलिए रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। आप सभी को पता है एक पौधे के फलने फूलने में रवि अर्थात सूरज के सूर्य प्रकाश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु ऊपर यदि सूरज चमक रहा हो और नीचे तालाब में बिल्कुल भी पानी ना हो तो जलज अर्थात कमल का फूल मुरझा जाएगा, केवल रवि उसे बचा नहीं सकता। उसी तरह कोई कितना भी धनवान आपका रिश्तेदार हो, आपकी वह समय पर मदद करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मुश्किल समय में आपकी अपनी संपत्ति ही आपके काम आती है। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं, निज संपत्ति बिना को न विपति सहाय, कि आपकी अपनी संपत्ति के बिना मुश्किल हालात में आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, केवल आपके अपने पैसे ही
मुश्किल समय में आपके काम आएंगे। इसलिए हमें मुश्किल दौर के लिए पैसों को बचा कर रखना चाहिए। अगले दोहे में रहीम दास जी ने पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से 700-800 वर्ष पूर्व का यह दोहा है, फिर भी रहीम दास जी को पानी के महत्व पर जो है पूरी जानकारी थी कि आगे आने वाले समय में पानी यदि नहीं बचाया गया तो मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन आज भी मनुष्य सचेत नहीं होते पानी के प्रयोग को लेकर और पानी नहीं बचाते। रहीम दास जी कहते हैं, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। आपको मैं बता देना चाहूँगी, इस दोहे की बड़ी जगह पर गलत व्याख्या की जाती है। इस दोहे को बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर मोती मानुष और चून किसके प्रतीक है या उसका क्या सही अर्थ है उसे समझ लीजिए। तो मोती वैभव का प्रतीक है, मानुष अर्थात मनुष्य, और चून अर्थात आटा, अनाज, जिससे कि आटा बनता है जिससे हम अपना पेट भरते हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी यह सारा जगत सूना हो जाता है। बिना पानी इस जगत का कोई महत्व नहीं है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी यदि एक बार पानी की किल्लत हो गई, पानी की शॉर्टेज हो गई, पानी यदि एक बार चला गया तो उसके बिना ना ही मनुष्य का कोई अस्तित्व है, ना ही वह फसल उगा पाएगा और ना ही उसके पास मोती अर्थात धन वैभव आदि होंगे। तो धन वैभव या मनुष्य या उसके खाया जाने वाला अनाज, इन तीनों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी के बिना जीवन असंभव है। इन सब दोहों पर आधारित एक एक प्रश्न आपको तैयार अवश्य कर लेना चाहिए। खास तौर पर आपको उदाहरण इसके याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार भी आ सकते हैं कि चित्रकूट की विशेषता बताते हुए रहीम दास जी ने क्या कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि राम जी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। दोहा आपको याद होगा तो बड़ी आसानी होगी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी दोहे भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।